थी। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग है, उससे कई गुना ज्यादा वो कंफ्यूजिंग है, जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ही दूर नहीं हो रही होती। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस स्टडीज को कैसे पढ़ना है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो तीन बातों पर हम काम करने वाले हैं। सबसे पहली चीज गाइस, आप जिस भी ऑथर की बुक यूज कर रहे हो, तो जो भी टॉपिक आप पकड़ते हो, उसकी हर एक लाइन पढ़नी है। यानी कि आपको टॉपिक की हर एक लाइन पढ़नी है, कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है। कई बार आप एक या दो लाइन करके समझते हो कि आ गया टॉपिक समझ और छोड़ देते हो। नहीं, बिजनेस स्टडीज को पढ़ते वक्त हर एक लाइन पढ़नी जरूरी है, क्योंकि हर एक लाइन में कुछ ना कुछ बात कही गई है। सेकेंड चीज गाइस, उस कंसेप्ट या टॉपिक में स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो यूज करे जाते हैं सिर्फ उसी के लिए। जैसे बताऊं तो अथॉरिटी के लिए राइट वर्ड यूज किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऑब्लिगेशन वर्ड यूज किया जाता है। सो ये हमें पता होने चाहिए जब हम पढ़ रहे हो, और इसे अंडरलाइन जरूर करना है। थर्ड गाइस, अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, उसे देखो कि बिजनेस में इसे कहाँ अप्लाई किया जाता है। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, बिजनेस में कहाँ अप्लाई होता है ये जानना भी जरूरी है, तभी आप अपनी केस स्टडीज को सही तरीके से कर पाओगे।